देखते हैं बेटा वृत्त का समीकरण क्या है। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। इस वृत्त के समीकरण में वृत्त के जो केंद्र होंगे वो माइनस का जी और माइनस के एफ होंगे। ये वृत्त का क्या होंगे, केंद्र। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब आपको एक वृत्त का समीकरण दिया जाएगा तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करके वहां से जी और एफ के मान निकालेंगे, वो वृत्त के केंद्र आएंगे और सी की भी वैल्यू आपको उसी समीकरण से मिल जाएगी। फिर आप वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जैसे आपके पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का एट वाई माइनस पैंतालीस बराबर जीरो, तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर, एक्स के गुणांक वाला क्या कहलाएगा, टू जी। तो एक्स के गुणांक क्या है, माइनस चार, तो माइनस चार का बराबर हो जाएगा टू जी एक्स के। तो एक्स से एक्स हटा दिया, टू से इसको कट किया तो जी बराबर माइनस टू आ गया। ऐसी बाई का गुणांक वाला क्या होगा, एफ। तो बाई का गुणांक कितना है, माइनस आठ, तो बाई से बाई हटाया, टू से आठ को काटा चार बार, एफ बराबर आ गया माइनस चार। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होगी, सी, सी बराबर माइनस पैंतालीस। वृत्त का केंद्र क्या होते हैं बेटा, माइनस जी और माइनस एफ। तो ये माइनस की पहले से वैल्यू है तो इस माइनस को इस माइनस की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का टू। ऐसी माइनस चार को माइनस एफ की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का चार। वृत्त का केंद्र हो गया दो कॉमा चार, सी की वैल्यू माइनस पैंतालीस। वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस और सी की जगह पर माइनस पैंतालीस जो वैल्यू है। चार का दो का स्क्वायर कितना होगा, चार, चार का स्क्वायर सोलह, माइनस माइनस प्लस पैंतालीस, पूरा प्लस करेंगे तो अंडर रूट पैंसठ, और अंडर रूट पैंसठ जो होता है किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए त्रिज्या यही हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टेन माइनस बारह बराबर जीरो। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे वृत्त के समीकरण से। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी बराबर जीरो से क्या कर देंगे बेटा, तुलना। तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर है, टू जी एक्स मतलब एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है, माइनस आठ, और यहाँ क्या है, टू जी। तो टू जी के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आठ। आप यहाँ दो से इसे कट करेंगे तो कितने बार कटेगा, चार बार, तो जी बराबर माइनस का चार। अगला नंबर, बाई का गुणांक यहाँ क्या है, टू एफ, और बाई का गुणांक यहाँ क्या है, प्लस दस। तो टू एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस दस। बाई बाई नहीं लिखेंगे, टू एफ यहाँ गुणांक लिखेंगे और इस गुणांक को इसके बराबर लिखेंगे, टू फाइव का टेन, एफ बराबर कितना हो जाएगा, फाइव। अगला नंबर, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के ट्वेल्व, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का ट्वेल्व। वृत्त के केंद्र क्या होते हैं बेटा, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो जी की वैल्यू क्या है, ये माइनस है और ये भी माइनस की वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर कॉमा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये केंद्र हो गए। अगला नंबर क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी कितना है बेटा, चार, तो चार का स्क्वायर। एफ कितना है, माइनस का पांच, तो माइनस पांच का स्क्वायर। माइनस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के ट्वेल्व, तो माइनस का ट्वेल्व अंदर रख देंगे ब्रैकेट में, माइनस ट्वेल्व, ये हो गया। चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह। पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पच्चीस। और माइनस है ना, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का बारह। इसको जोड़ देंगे बेटा, बारह को और इसको जोड़ेंगे सोलह को, कितना हो जाएगा, अट्ठाईस, और प्लस पच्चीस, आठ और पांच तेरह, दो दो चार और एक पांच, अंडर रूट में तेरह इकाई आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस का एट बराबर जीरो। आपको एक वृत्त का समीकरण दे रखा है, इस वृत्त के आपको केंद्र निकालनी है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तुलना करेंगे बेटा डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई और प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या है, वृत्त का समीकरण, इससे हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, टू जी, और यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, प्लस आठ। तो टू जी बराबर क्या हो जाएगा, आठ, क्योंकि एक्स का जो गुणांक है उसकी तुलना एक्स के गुणांक से कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। ऐसे यहाँ वाई का गुणांक टू एफ, यहाँ वाई का गुणांक दस है प्लस का, तो टू एफ बराबर कितना हो जाएगा, दस, और सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एट, टू फाइव जा टेन और टू फोर जा एट। तो जी बराबर कितना हो जाएगा, चार, और एफ बराबर कितना हो जाएगा, पांच। तो केंद्र होते क्या है बेटा, केंद्र होते हैं माइनस का जी कॉमा माइनस एफ।
तो यहाँ रखेंगे बेटा ये भी प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है प्लस माइनस माइनस, ये जी एफ हो गए बेटा आपके पास। एफ सी का मान कितना है आठ माइनस का। अगला नंबर क्या लिखना है बेटा वृत्त की त्रिज्या, तो आप वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे बेटा, वृत्त की त्रिज्या अंडररूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी का स्क्वायर मतलब माइनस चार का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर मतलब माइनस पांच का स्क्वायर, और प्लस सी, सी की वैल्यू उतनी है माइनस सी, तो माइनस सी, सी की वैल्यू है माइनस का एट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एट। फोर का स्क्वायर कितना सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एट अंडररूट में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा सोलह और पच्चीस कितना हो गया बेटा आपके पास इकतालीस, इकतालीस और आठ कितना हो गया उनचास, उनचास हमें पता है कितने का वर्ग है सात का, तो यहाँ पर हो जाएगा सात इकाई। अगला सवाल देखेंगे बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x बराबर जीरो, आपको इस वृत्त का समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले वृत्त के समीकरण जैसी फॉर्म बनाएंगे इसको, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक एक होता है वृत्त के समीकरण में, y स्क्वायर का गुणांक भी एक होता है। यहाँ गुणांक कितना दे रखा है दो, तो सबसे पहले दो को कॉमन ले लेंगे, कॉमन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन टू हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना, टू का डिवाइड इसमें देंगे, टू का डिवाइड इसमें देंगे, टू का डिवाइड इसमें देंगे, टू इसमें है नहीं तो नीचे आ जाएगा, इससे जो टू को काट देगा जीरो, दो गुणा में तो टाइम आएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन टू बराबर जीरो, यही हो जाएगा। अब तुलना करें तो तुलना करने से पहले जो आपके पास टर्म नहीं होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, बाई वाला इसमें पद नहीं है तो बाई की वैल्यू जो होगा गुणांक वो जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू नहीं है तो सी वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, अगर हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो जी एक्स वाला टर्म है तो यहाँ एक्स वाला टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे टू जी एक्स बराबर माइनस का एक्स अपॉन टू, एक्स से एक्स कट गया वन टाइम, तो टू जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, दो गुणा में से इधर भाग में आ जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर, टू टू या कितना हो जाएगा फोर। अब एफ वाला टर्म काय का गुणांक है वाई का, वाई वाला इसमें टर्म है नहीं है, वाई स्क्वायर वाला है वाई वाला नहीं, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, सी वाला कोई कॉन्स्टेंट है नहीं है तो सी की वैल्यू जीरो। अब हम यहाँ लिखेंगे केंद्र, तो केंद्र में सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस का एफ, तो माइनस जी और माइनस का पहले से वैल्यू जी का है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक बट्टे चार और ये क्या हो जाएगा जीरो। अब निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी बेटा, वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो जी की वैल्यू कितनी एक बट्टे चार, एक बट्टे चार का वर्ग जीरो का वर्ग माइनस का जीरो, तो एक बट्टे चार का वर्ग एक बट्टे सोलह हो जाएगा, तो एक बट्टे सोलह कितने का वर्ग हो जाएगा एक बट्टे चार का, तो आंसर हो जाएगा एक बट्टे चार इकाई, यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी।